नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि काइन मास्टर पे आप किस तरह से स्क्रोलिंग टेक्स्ट इफेक्ट डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। काइन मास्टर ओपन कर लीजिए और जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा वैसे वैसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो मैंने पहले बनाया है, तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट ना लेकर मैं कोई वीडियो यहाँ पर ले लूँगा। मैं MPT प्रोजेक्ट में जाता हूँ और यहाँ से मैं वीडियो में ही ले लेता हूँ। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्टेड में मैं ऐसे वीडियो ले लेता हूँ, ठीक है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी स्क्रोलिंग टेक्स्ट नहीं है, तो यहाँ पर मैं एक आपको डाल के बताऊँगा कि ये कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लेयर ऑप्शन पे जाइए। लेयर ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से आपके बैकग्राउंड लेयर लेना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो ब्लैक वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए सॉलिड कलर में आया है। उसके बाद ये थर्ड ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है आप देख सकते हैं यहाँ पर कोने पर ये ऑप्शन है। यहाँ से आपको थोड़ा सा काम करना है। क्या करना है, यहाँ पर जाके यहाँ से कि ये सेकंड वाला ऑप्शन ऑफ के नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद इसे थोड़ा सा आप खिसका के अपने हिसाब से जैसे करते हैं वहाँ ले सकते हैं। लेने के बाद आपको क्या करना है, इसकी ओपेसिटी जो है यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे आइए, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आइए। जब भी सॉलिड कलर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अल्फ़ा ओपेसिटी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर अल्फ़ा ओपेसिटी ये देखिए, ये वाला ऑप्शन अल्फ़ा ओपेसिटी में जाके इसे थोड़ा सा कम कर दीजिए, ये जितना आपके स्क्रीन पे थोड़ा सा हल्का हल्का दिखे तो इसमें इफेक्ट अच्छा आता है, अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको फिर से लेयर पे जाना है और यहाँ से टेक्स्ट लेना है, ठीक है। टेक्स्ट लेने के बाद आप जो भी लिखना चाहते हैं वहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जो जी हट गया, चलिए मैं थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ, हम ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो इसे आप ले आइए इसके ऊपर, देखिए ये आप इसकी आप एनिमेशन डालेंगे। उससे पहले इसका थोड़ा सा इसको फॉन्ट वगैरह डाल देते हैं अलग से, ठीक है। फॉन्ट वगैरह डालने के बाद यहाँ पर देखिए इसके शेडो वगैरह बंद कर दीजिए तो अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। तो यहाँ पर अब कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको सबसे लास्ट में स्टार्टिंग पोजिशन में आपको लाना है ऐसे, ठीक है। सबसे लास्ट में आपको लाना है ऐसे, ठीक है। लाने के बाद लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ये इफेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है। यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको फिर से उसको एंड पोजीशन पे ले जाना है। आपके जो ये नीचे वाला ऑप्शन है इसको खिसका के बिल्कुल एंड पोजीशन में आपको सेट करना है, ठीक है। ओके, सेट करने के बाद ये जो प्लस ऑप्शन आया है यहाँ पर, अब इसे आपको टच करना है, ठीक है, ठीक है। अब एक और करना है, क्या करना है, ये जो टेक्स्ट को है फिर से आपको पकड़ के ये जो लास्ट पोजीशन है इसके बिल्कुल लास्ट पोजीशन में इस तरह से आपको ले जाना है, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो भी ये अब हो चुका है, अब यहाँ पर जो भी काम करेंगे ये सॉलिड कलर और टेक्स्ट का, टेक्स्ट अगर लंबा आप लिखते हैं तो इन दोनों का जो एरिया है वो थोड़ा सा सेम होना चाहिए। जैसे मान लो इसको मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, तो अब टेक्स्ट को भी इतना थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा आपको जहाँ तक ये वाला है, ठीक है, नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा, साथ साथ में नहीं होगा, ठीक है। अब इसको आप प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूँ, प्ले करेंगे तो ये कैसे दिखेगा, ये देखिए मैं प्ले कर देता हूँ, ये देखिए। यूज़ करते हैं तो आपको मिल रहा है 20 रुपये हर महीने के लिए फ्री में कैशबैक। देखिए कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पेटीएम जब अपडेट किया तो यहाँ पर खुल गया, ठीक है। तो इस तरह से आप काइन मास्टर में अपने स्क्रोलिंग टेक्स्ट इफेक्ट वगैरह डाल सकते हैं, ओके। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगे, इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आपको काइन मास्टर का फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। मैं काइन मास्टर का पूरा ट्यूटोरियल आपको वीडियो बना के दूंगा। तब तक के लिए वंदे मातरम।